और मेरा कंप्यूटर का ऐसा कुछ बैकग्राउंड है नहीं, तो वो देख के मैं और ज्यादा पैनिक हो गई थी पेपर में। और ऐसा तैयारी में तो कोई दिक्कत थी नहीं, सर के सारे नोट्स और वो सब, और जैसे सर ने बोला था कि अपना 69th मॉक समझ के देना, सर ने 68 मॉक लिए थे सारे। पेपर के दौरान भी ये चीज नहीं सोचनी है कि मेरा ड्रॉप है, नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए एक और निम से 22 के टॉपर से मिलते हैं जिनकी रैंक 238 है, नंदिनी जो कि दिल्ली से हैं और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है और इन्होंने ड्रॉप लिया था। तो नंदिनी सबसे पहले तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए आपको ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं। सर। तो नंदिनी आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो अच्छी एजुकेशन आपको मिली है ऑलरेडी, यस तो सर। आपको मुझे नहीं लगता ड्रॉप लेने को लेकर कंफ्यूजन हुआ होगा। पर आपने कब निमसेट के लिए सोचा और आपकी जो सक्सेस इंटायर जर्नी है उसको आप कैसे बताएंगे? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नंदिनी शुक्ला, और मैंने बीएससी करी है मैथ्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मेरे को बेसिकली, जैसे मेरे को कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए भी दिल्ली में ही मिला था, तो मेरा मेन एम यही था कि मेरे को दिल्ली से बाहर जाना है, क्योंकि मैं बोर हो गई थी दिल्ली से। कोई मेरे को कोई भी कोर्स मिल जाए, बट मेरे को दिल्ली से बाहर जाना है। तो मैंने वैसे कोर्सेज ढूंढने शुरू करे कि लाइक ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं या क्या नहीं, और क्या क्या ऑप्शन हैं, क्योंकि एमएससी करने के लिए मेरा इतना मन नहीं था मैथ्स में कि मैं एमएससी करूँ। तो मैंने ऐसे ही सर्च करना शुरू किया, तो मेरे को यूट्यूब के थ्रू ही एमसीए का पता लगा, और उसमें भी शरद सर की वीडियो आई थी से रिलेटेड। उसमें सौरभ शुक्ला सर की जो सिस्टर है नूपुर शुक्ला, उनका इंटरव्यू था उसके अंदर, तो मैंने वो देखा था। तो उससे मेरे को धीरे धीरे पता लगना चालू हुआ एमसीए के बारे में। और निमसेट ऐसा एग्जाम होता है जिससे एनआईटी से भी आप एमसीए कर सकते हो, और ऐसा सब कुछ होता है मतलब। और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है निमसेट के बारे में कि एनआईटीज भी एमसीए करवाती हैं, क्योंकि मैंने भी जब ऐसे मम्मी को बोला, अपने फैमिली में बोला, फ्रेंड्स को बोला, तो किसी को इतना नॉलेज नहीं था, किसी को इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा एनआईटी से भी ऐसे कोर्सेज मतलब एमसीए जैसे कोर्सेज होते हैं और लोग करते हैं। तो मेरे लिए नया था, तो मैंने फिर कोचिंग लेने का सोचा। तो फिर शरद सर की वीडियोस देखी थी, तो उसमें एक कनेक्ट फील हुआ था एकदम, जिसको मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, कोचिंग ही लेनी है। और मैंने फाइनल ईयर के दौरान ही ऐसा सब देखना स्टार्ट किया था कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने फाइनल ईयर के साथ कोचिंग ली थी, अगस्त में ली थी, और उस साल मैंने प्रेपरेशन करी थी। कॉलेज मेरा ऑनलाइन था, तो मेरे को और सर की कोचिंग भी ऑनलाइन, तो इतना मैनेज करने में दिक्कत होती नहीं थी। थोड़ा सा एग्जाम्स टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता, बट मैनेजेबल था। और लास्ट ईयर कोविड की वजह से एग्जाम भी अगस्त में हुआ था, 7th अगस्त 2022 निमसेट का। तो उस दिन पेपर में लास्ट ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ अलग से आए थे, लाइक जो फिक्स्ड पैटर्न है वैसे नहीं आए थे। और मेरा कंप्यूटर का ऐसा कुछ बैकग्राउंड है नहीं, तो वो देख के मैं और ज़्यादा पैनिक हो गई थी पेपर में। और मतलब जितना मेरे को आता था मैं उतना भी नहीं करके आई थी पेपर के अंदर। पेपर करने के आने के बाद ही मेरे को पता था कि मेरा कोई कुछ अच्छा तो आएगा नहीं। उस दिन के बाद से मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए, मेरा IGDTU हो गया था लास्ट लास्ट ईयर भी, बट मैंने वो नहीं भरा। लास्ट ईयर वो पहले हुआ था और निमसेट बाद में, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को नहीं लेना है, एक तो दिल्ली में नहीं रहना है, और दूसरी बात ये था कि निमसेट है तो निमसेट क्रैक करना है, बट वो हुआ नहीं। और बाकी सारे एग्जाम्स भी दिए मैंने, BHU और DU वगैरह भी दिए थे, BHU वगैरह भी हो गए, बट एक अंदर से मेरे को था, क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया था पेपर में लास्ट ईयर, क्योंकि मैं पैनिक कर गई। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब एनालाइज किया कि पेपर कैसा आया था, पेपर ईजी आया था, लाइक अगर कंप्यूटर का कुछ पोर्शन हटा दो तो ईजी आया था पेपर। बट मैंने लास्ट ईयर ऐसे रीजनिंग में बार ग्राफ वाले जैसे क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट करे, देख के ही नहीं करे कि जैसे मेरे से होंगे ही नहीं उस समय पेपर के टाइम। तो वो चीज़ एक मेरे अंदर थी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया पेपर में। तो ये सारे एग्जाम्स देते देते ही नवंबर दिसंबर हो गया था, और नेक्स्ट ईयर की डेट ऐसे आ रही थी कि 4-5 महीने। तो फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं। थोड़ा सा डिसाइड करने में था कि लेना नहीं लेना, बट वो थोड़े टाइम के लिए था। बट एक बार जब हो गया कि नहीं ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि 100% नहीं दिया, उसके बाद से फिर मैंने दोबारा नहीं देख सोचा उस बारे में। और इस बारी मेरे को बस ये था कि मैं कुछ भी करके आऊँ पेपर में, पैनिक नहीं करना, जितना आता है उतना करूँगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रैंक क्या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं था। और ऐसा तैयारी में तो कोई दिक्कत थी नहीं, सर के सारे नोट्स और वो सब सब सफिशिएंट थे। तो इस साल मैंने बस मॉक पे एनालाइज करने में फोकस करा, और पेपर में अच्छे से जैसे काम होके कूल माइंड से जैसे सर कहते हैं कि देना, वैसे ही किया मैंने, बिल्कुल उससे किया। और जैसे सर ने बोला था कि अपना 69th मॉक समझ के देना, सर ने 68 मॉक लिए थे सारे, मैंने बिल्कुल वैसा ही करके दिया, और एकदम कूल और काम माइंड से पेपर दिया था। और इस बार ही निकलने के बाद से आई वॉज लाइक कि ठीक है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, क्या मिलेगा पता नहीं, बट हाँ पेपर अच्छा हुआ था।
और मतलब सर की गाइडेंस ही थी और सर के नोट्स ही थे। मैंने बुक्स ली थी बट वो मैंने टच भी नहीं करी, वो सारे ऐसी नई की नई पढ़ी हैं, सब कुछ सर के नोट्स से और उसी सबसे पढ़ा था, तो बस और उसी से मिल भी गया सर के गाइडेंस की वजह से। तो थैंक यू शरद सर। ठीक है, जैसा अभी नंदिनी ने कुछ बातें बोली आपको समझने वाली थी कि लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया तो पहले तो लेट डिसाइड किया, और कई बार ये होता है जो आपने बोला ना एमसीए एनआईटी से होता है ये बात, अब बल्कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई डिजिटल की वजह से, पर पहले तो सच में नहीं पता होता था, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को नहीं पता होता था जो बीसीए या बीएससी कर रहे होते थे, और अभी भी कई लोगों को नहीं पता होता। ये बहुत अच्छा एक रास्ता है टेक्निकल कॉलेज में एंट्री लेने का, जो चीज बाई चांस आईआईटी के थ्रू नहीं आप कर पाए कभी किसी कारण से, तो ये सेकंड वे। तो लेट डिसाइड किया क्योंकि कोविड के बाद सभी लोग घर में बंद गए थे, तो ऐसा लगता था घर से बाहर निकलो, पर शायद यही सोच ने आपको बाहर निकाल दिया। तो लेट डिसाइड किया, पेपर में पैनिक हो गई, और मैं आप सबको बोलूंगा ये कई बार आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी मेहनत भी इसलिए बेकार हो जाती है कि आप पेपर में वो जो 2 घंटे होते हैं उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं। तो ये सब चीजें इनके पास थी, एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रॉपर हमेशा मोर एक्सपीरियंस होते हैं। ड्रॉपर्स कहते हैं कि डर लगता है, पर मैं बोलता हूँ ड्रॉपर्स के पास एक्सपीरियंस कंपेयर टू फ्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने पेपर भी दिया होता है, कुछ पढ़ा हुआ भी होता है, तो वो सब आपने फील किया हुआ था। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? अक्सर जो लोग स्ट्रेस लेते हैं या जो गर्ल्स ड्रॉप लेने से डरती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगर आपके अंदर है कि आपको अपना 100% देना है, आपने पेपर में नहीं दिया या किसी भी चीज़ों की वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ या आप नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो, बट अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं मेरे को एक बारी अपना 100% अटेम्प्ट देना है, तो आप ले लो, मतलब एक आप कर लो, फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करेंगे। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत बोला था, उन्होंने भी बोला था कि देखो अगर लग रहा है तूने अपना 100% नहीं दिया है तो यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो, आपने नहीं दिया अपना 100%, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। और मतलब आप अगर ट्राई करोगे ऐसा फुल अपना मेहनत करने की तो हो जाएगा। और जो ड्रॉप लेने के लिए भी होता है, जैसे जो लोग सोचते हैं कि सेकंड ईयर ड्रॉप है या 1 ईयर ड्रॉप का भी जिनको प्रेशर या स्ट्रेस आता है, तो मेरे को सर की बात याद आई थी कि मतलब थोड़ा बहुत आता था कि ड्रॉप है और इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब वो 10% माइंड में बातें आती हैं, बट सर की बात याद आती थी कि वो सारा जो भी वो सब है उस सबको माइंड से साइड करके रखो, वो सब बाद में देखा जाएगा। पेपर के दौरान भी ये चीज़ नहीं सोचनी है कि मेरा ड्रॉप है नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब जो सोचना है सब बाहर आके उन 2 घंटे में सिर्फ पेपर करना है और पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे अपना बेस्ट देके आना है, बस ये सारी चीजें बाद में आके सोची जा सकती हैं, बट उस समय सिर्फ पेपर। तो बिल्कुल सही बोला आपने नंदिनी, चलिए आपको वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू।